अच्छा क्लास, अब हेडिंग्स मार्क कर लें जो आपने अपनी कॉपीज में करना है, ठीक है। सबसे पहले आप बायोडाइवर्सिटी की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की हेडिंग डालिएगा और सेकंड लाइन से यहाँ से मार्क करना शुरू करें, द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से लेकर आपने कहाँ तक मार्क करना है, प्लांट्स तक, ठीक है। ये हो गई बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की हेडिंग डालिएगा, ठीक है। और पहला पॉइंट आपने कॉपी करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपने कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फॉरेस्ट तक, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आपने कॉपी करना है बायोडाइवर्सिटी से लेकर रिसोर्सेज तक, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट आपने ये कॉपी करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सही है। इस तरह से चार पॉइंट्स हो गए। पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन ये आ गई, द बायोडाइवर्सिटी से लेकर ये एंड तक, प्लांट्स तक। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी से आप स्टार्ट करिएगा और सेकंड लाइन पे फूड तक एंड कर दीजिएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर वन। फिर पॉइंट नंबर टू यहाँ से करिएगा, यहाँ पे टू लिख रहा हूँ मैं, छोटा सा टू। पॉइंट नंबर टू इट ऑल्सो से लेकर आप लोग फॉरेस्ट तक, ये पॉइंट नंबर टू यहाँ तक खत्म हो गया। फिर पॉइंट नंबर थ्री, यहाँ पे थ्री लिख रहा हूँ छोटा सा, थ्री यहाँ से स्टार्ट होगा, थ्री और रिसोर्सेस तक एंड हो जाएगा। फिर फोर, फोर यहाँ से लेकर यहाँ तक शुरू होगा, इट ऑल्सो ब्यूटिफाइज से लेकर टूरिज्म तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस हो गया। अच्छा अब आप हेडिंग डालिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। किसकी हेडिंग डालेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। और फिर आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, टू स्टडी से लेकर और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक एंड कर दीजिएगा, सही है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक आपने क्या कर देना है, एंड कर देना है। समझ आ गई सबको। टू स्टडी सच अ डाइवर्स, और आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तक एंड कर देना, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई, डेफिनेशन, ओके ठीक है। हेडिंग आएगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अच्छा ओके okay. फिर आप लोग हेडिंग डालिएगा टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इसकी हेडिंग डालेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। पहली लाइन से लेकर थर्ड लाइन तक आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। समझ आ रहा है सबको। टेक्सोनॉमिक हायरार्की से अपनी पहली लाइन से लिखना है और थर्ड लाइन तक कॉपी कर लेना है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की तक, ठीक है। फिर आपने ये वाला पूरा टेबल अपनी कॉपी में, ठीक है, कॉपी करना है, उतारना है अपनी कॉपी में, ठीक है। ये वाला पूरा टेबल आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। ये इसको मार्क कर लें, ये टेबल आपकी कॉपी में लिखा जाएगा, सही है। अच्छा इसके अलावा एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हेडिंग आएगी, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किसकी हेडिंग आएगी, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा यहां से आप लोग स्टार्ट करिएगा, द मेन एम से लेकर यहां तक, ठीक है। सबको क्लियर है, द मेन एम से यहां तक आप कॉपी कर लेंगे, मार्क कर लें, और हेडिंग किसकी आएगी, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर एक और हेडिंग डालिएगा टेक्सोनॉमी की, ठीक है। टेक्सोनॉमी की हेडिंग आएगी, यहां से आप लोग स्टडी करी सॉरी मार्क करिएगा, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ये टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। पर हेडिंग किसकी आएगी, टेक्सोनॉमी की। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हेडिंग आएगी। फिर आपने यहां से लेकर, यानी कि ये वाले पॉइंट्स आपने, ये वाले यहां से ये वाले पॉइंट आपने ये कॉपी कर लेना है, ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन अलग हो जाएगी, ये टेक्सोनॉमी की हेडिंग
हेडिंग आएगी, फिर टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, समझ आ गया सबको। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन आपने पढ़ना है, बाकी ये सब आप पढ़ते हुए आएंगे, ओके, कुछ छोड़ना नहीं है। ये जो मैं मार्क नहीं करवा रहा इसका मतलब वो सब आपने पढ़ना है, बाकी ये जो मार्क करवा रहा हूँ वो तो आपने डेफिनेटली पढ़ना है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, मैं लिख रहा हूं, कॉन्ट्रीब्यूशन, CONTRIBUTION, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, CONTRIBUTION है ये, ION, ये माउस से लिख रहा हूं तभी इस तरह से लिखा जा रहा है, ओके, मेरे पास कोई पेन नहीं है लिखने को, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जहिज, ठीक है, ये वाली पूरी हेडिंग आएगी, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अबू उस्मान उमर अल जहिज, ये पूरी आपने हेडिंग लिख ली, सही है। उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करिएगा पहला पॉइंट, ही यूज्ड टू से लेकर बॉडीज तक, पहला पॉइंट हो गया, सही है। बल्कि एक मिनट, एक मिनट, ये आपने पूरा कॉपी कर लेना है, सही है, इसमें कोई चीज नहीं कटेगी, ओके, इसमें कुछ भी नहीं कटेगा, सबको समझ आ रहा है ना। अच्छा, फिर इसको भी रीड करना है आपने, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को भी रीड करना है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को भी रीड करना है, फिर आपने हेडिंग डालनी है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, किसकी हेडिंग डालनी है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, वो सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है, रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर वो आपसे सवाल करे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन करनी है तब भी आपने यही जवाब लिखना है जो मैं अभी मार्क करवाऊंगा, और अगर आपने रॉबर्ट वाइटेकर की क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है तब भी आपने यही चीज लिखनी है, समझ आ गया सबको। यानी कि आप स्लैश डाल के क्या लिखेंगे, पहले आपने ये वाली हेडिंग लिखी, मेन मेन हेडिंग है ये पूरी, अब जो मैं अब यहां से मैं एक पूरी बड़ी हेडिंग मार्क करवा रहा हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ये आपने पहले हेडिंग डालनी है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, या इस तरह से स्लैश डालिएगा, स्लैश, और फिर आपने ये लिखना है रॉबर्ट वाइटेकर, और आगे लिख दीजिएगा क्लासिफिकेशन, समझ आ रहा है सबको, मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले आपने आपने यहां तक जो मैंने मार्क करवाया ये सब हो गया, ओके, ये हो गया खत्म। अब नीचे वाला जो ये क्वेश्चन है, यानी कि जो हेडिंग है, ये एक बहुत बड़ी हेडिंग है और इसको मैं मार्क करवा रहा हूँ, ये मतलब पूरा एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब वो आपसे पूछेगा तो आपने सारी सारे किंगडम्स बताने, किंगडम मुनैरा भी बताना है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये पांच किंगडम आपने, पांच फाइव किंगडम्स आपने ये बताने हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की आप हेडिंग डालिएगा, सही है, मैं दोबारा बता देता हूँ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की आपने हेडिंग डाली, फिर आपने इस तरह से स्लैश करा, यानी कि इस तरह से स्लैश डाला, और फिर आपने लिखा रॉबर्ट विटेकर, क्या लिखा इसके आगे, रॉबर्ट विटेकर, और फिर आपने लिख दिया इसी के आगे क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिस्क्राइब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तब भी आपने ये पांचों बताने हैं, और अगर आपसे वो पूछेगा डिफाइन द रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन, तब भी आपने यही बताने हैं, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है।
तो रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन की, अगर वो रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन पूछेगा तो आपने ये वाली हेडिंग डालनी है रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन की, और अगर वो फाइव किंगडम के नाम से पूछा तो आप फाइव किंगडम की क्लासिफिकेशन की हेडिंग डाल दो। दोनों हेडिंग्स एक ही हैं, दोनों में लिखना जो है वो एक ही है, बस सवाल वो आपसे जो पूछेगा आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने हेडिंग पहले डालनी है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, फिर उसके बाद यहाँ पे स्लैश डालना है, स्लैश डालने के बाद आपने क्या लिखना है, रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन, क्या लिखना है, रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफिकेशन, सही है। उसके बाद आपने यहां से मार्क करना शुरू करना है किंगडम मुनेरा, पहली हेडिंग पूरी मार्क कर लेनी है यहां से लेकर यहां तक, फिर दूसरी हेडिंग किंगडम प्रोटिस्टा भी पूरी मार्क कर लेनी है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है पूरी, फिर तीसरी हेडिंग यहां से लेकर यहां तक ये भी पूरी मार्क कर लेनी है, फिर चौथी हेडिंग यहां से लेकर यहां तक ये भी पूरी मार्क कर लेनी है, फिर पांचवी हेडिंग यहां से लेकर यहां तक ये भी पूरी मार्क कर लेनी है, ठीक है। यानी कि ये पांचों की पांचों हेडिंग्स जो हैं वो इस वाले सवाल में काउंट हो रही हैं, यानी कि ये पूरा एक सवाल है, इनके पूरा एक हेडिंग है, ठीक है। पहले अपनी ये मेन हेडिंग डाल के उसके बाद यहां से आपने करना शुरू करना है किंगडम मुनेरा, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, इस तरह से आपने सारा मैटर लिखते हुए आना है, ठीक है। किंगडम मुनेरा पूरा आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा पूरा आएगा, किंगडम फंजाई पूरा आएगा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया भी पूरा पूरा आएगा, सही है। अच्छा ये आपके समझने के लिए इसको भी पढ़ लीजिएगा आप, आपको क्या करना है रीड करना है, मैं लिख देता हूँ रीड, ये आपने रीडिंग करनी है इसकी, ठीक है रीड करना है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, फिर आप हेडिंग डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की आप हेडिंग जब लिख लेंगे तो अब आपने इसमें पॉइंट्स में लिखना है, यहां से लेकर पहला पॉइंट, वायरस इज अ नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट लिव्स इनसाइड होस्ट सेल, ये पहली हेडिंग सॉरी पहली पहली लाइन हो गई, पॉइंट नंबर वन ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट यहां से इट डज नॉट से स्टार्ट होगा, नंबर टू इट डज नॉट से लेकर और ये आपने आर एन ए तक खत्म करना है, ये पॉइंट नंबर टू हो गया। फिर पॉइंट नंबर थ्री यहां पे मैं थ्री लिख रहा हूं एक छोटा सा थ्री, ठीक है। ये थ्री आपने प्रोटीन कोट से लेकर आना है और ये यहां तक एंड हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर फोर यहां से इट से लेकर, यानी कि इट से लेकर सेल्स तक, सही है ये फोर। फिर यहां से लेकर यहां तक आपने एग्जाम्पल करके लिखना है, एग्जाम्पल्स नहीं है सारी बैक्टी वायरल डिजीज की, सही है, एग्जाम्पल करके आपने यहां पे लिखना है, ठीक है ओके। यानी कि चार पॉइंट्स हो गए, पहला पॉइंट वायरस नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट लिव्स इनसाइड होस्ट सेल, ये नंबर वन पॉइंट हो गया। फिर नंबर टू इट डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बट डू हैव न्यूक्लियर मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए, ये पूरा दूसरा पॉइंट हो गया। फिर इट हैज प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड दैट इंक्लूड्स न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यानी कि जो डीएनए और आरएनए होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन चढ़ा हुआ होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये आपका नंबर थ्री पॉइंट हो गया। फिर नंबर फोर्थ पॉइंट आपका यहां से हो गया, इट रिप्रोड्यूस ओनली इन साइड द होस्ट सेल, ये कितने पॉइंट्स हो गए टोटल चार पॉइंट्स। फिर ये जो लास्ट पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आपने पहले हेडिंग डालनी है एग्जाम्पल की, ई डॉट जी एग्जाम्पल, और फिर आपने यहां से लेकर इट कॉजेस से लेकर एड्स तक आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। अच्छा फिर हेडिंग डालिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। पहली लाइन से आपने स्टार्ट करना है और नेमिंग देम तक एंड कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, नेमिंग देम तक एंड कर देना है, कैरोलस लाइन से आपने स्टार्ट करना है और नेमिंग देम तक आपने क्या कर दिया, एंड कर दिया। ये सबको समझ आ गया। अच्छा
इस नेमिंग देम के एंड के बाद जब आपने खत्म कर दिया, जब आपने लिख लिया, तो अब आप लिखिएगा इसके बाद जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखिएगा। यानी कि जब आपने ये पूरी लाइन लिख ली, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कैरोलस लाइनस स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड स्वीडिश नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर हु वाज़ द फर्स्ट टू फ्रेम प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर डिफाइनिंग नेचुरल जेनेरा एंड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म सिस्टम फॉर नेमिंग देम। ठीक है, यहां तक आपने लिखनी है। फिर आपने लिखना है दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद आपने क्या लिखना है, नेमिंग देम के बाद, फुल स्टॉप के बाद आपने क्या लिखना है, दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैं यहां पे मैं लिख भी देता हूं, लेकिन मैं बहुत स्लो लिखूंगा, थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने बस समझ लेना है। ठीक है, मैं वैसे बोल चुका हूँ दिस। इसके बाद आपने ये वाली लाइन ऐड कर लेनी है, दिस प्रोसेस ठीक है इज कॉल्ड और कॉल्ड के बाद आप ये लिख दीजिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, आपने यहां से लेकर पहले कैरोलस लाइनस से नेमिंग देम तक कॉपी कर लिया। फिर आपने क्या लिखना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जब आप अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे तब ऐसे ही लिखना है, और हेडिंग किसकी आएगी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा ये वाला टेबल भी आपकी कॉपी में होना चाहिए, इसको राइट करना है, इसको आपने लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट इट इन योर कॉपीज। ठीक है, सबकी कॉपीज में ये होना चाहिए। अच्छा, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स। अच्छा, ये प्रिंसिपल की हेडिंग आएगी और ये पूरा आपने कॉपी कर लेना है। टोटल 4 पॉइंट्स हैं इसमें, चारों चारों कॉपी करने हैं। सही है, हेडिंग किसकी आएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। फिर आप हेडिंग डालिएगा कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। किसकी हेडिंग आएगी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की हेडिंग आएगी। फिर आपने यहां से जो ये बोल्ड ब्लैक से लिखा हुआ है, ये बोल्ड करके ये आपने हेडिंग की डेफिनेशन लिख ली, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी की ये डेफिनेशन आ गई। ठीक है, फिर इसके रीजंस, रीजंस में आप रीजंस की हेडिंग डालिएगा, रीजंस टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी। ठीक है, ये आपने रीजंस की हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालने के बाद आपने यहां से लेकर पूरा कॉपी कर लेना है यहां तक। ठीक है, सम ऑफ द की पॉइंट से लेकर फ्लडिंग तक आपने कॉपी कर लेना है। सही है, इज दैट क्लियर, सबको समझ आ रहा है ना? कोई चीज समझ नहीं है तो मैंने आपको स्लो करने का तरीका बताया। आप जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो को स्लो कर दिया करें। ठीक है, रीजंस टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, रीजंस टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी की ये वाली पूरी हेडिंग, और आपने ये पूरा है काम इस तरह कर लेना है। ठीक है, सम से लेकर फ्लडिंग तक। अच्छा, फिर ये वाली हेडिंग आएगी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी इन पाकिस्तान। सही है, तो आपने ये नहीं लिखना, आपने शुरू कहां से करना है, लेग से शुरू करना है और यहीं तक खत्म कर देना। 4 पॉइंट ये पूरे कॉपी कर लेने हैं। सबको समझ आ रहा है ना, ये 1, 2, 3, 4 ये सारे कॉपी कर लेने हैं। ठीक है, ये वाली हेडिंग आएगी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद आप ये 4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। सही है, ओके। अब आ जाए डीफॉरेस्टेशन। आपने हेडिंग डालनी है डीफॉरेस्टेशन की, सिर्फ किसकी हेडिंग डालेंगे आप, डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन में भी आपने इसी तरह ये लिखना है, द कटिंग से लेकर डीफॉरेस्टेशन तक, ये डीफॉरेस्टेशन की हेडिंग हो गई, उसकी डेफिनेशन हो गई। और फिर इसके कॉजेस लिख दीजिएगा, कॉजेस पूरे आएंगे, कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन,
ये आपने पूरी कॉपी कर लेनी है इफेक्ट से लेकर, ये आपने पूरा इफेक्ट्स आपने एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरी डिफॉरेस्टेशन वो आपसे एक साथ पूछ लेगा, बताइए डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, डिफॉरेस्टेशन की कॉजेज और डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स बताइए। तो आपने ये पूरा सवाल करना है, डिफॉरेस्टेशन इसकी है, ये आपने डेफिनेशन लिख ली द कटिंग से लेकर डिफॉरेस्टेशन तक, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का पूरा पैराग्राफ और इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन का भी पूरा पैराग्राफ आएगा। फिर है इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये आपने कॉपी करना है यहां से ड्यू टू से लेकर इकोसिस्टम तक बस, ठीक है। ड्यू टू से लेकर इकोसिस्टम तक आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने एग्जाम्पल डाल के, यानी कि एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है, सिर्फ आपने क्या करना है एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है, एग्जाम्पल आपने लिखा, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन कॉपी कर ली इकोसिस्टम तक, उसके बाद आपने ये सिर्फ नाम, सबके नाम कॉपी कर लेने हैं, ये पूरे 9 नेम्स हैं, ये सारे नाम आपने अपनी कॉपी में कॉपी कर लेने हैं, एग्जाम्पल के बाद आपने सारे नाम कॉपी कर लेने हैं, सही है। आई होप सबको समझ आ जाए, ठीक है। और अगर नहीं समझ आया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लें, और दूसरा ये है कि आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं। आखिरी वाली हेडिंग में फिर बता रहा हूँ, इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो है वो ड्यू टू से लेकर इकोसिस्टम तक आएगा, इकोसिस्टम के बाद आपने एग्जाम्पल की हेडिंग डालनी है, एग्जाम्पल के बाद आपने पूरे 9 नेम्स लिख देने, लेकिन आपने डायग्राम नहीं बनानी है, ओके, डायग्राम नहीं आएगी, सिर्फ नाम आएंगे, सही है। इसके बाद आपने ये पूरी समरी जो है वो ये पूरी पढ़ लेनी है, ठीक है। समरी के बाद अच्छा, समरी के बाद आप जो है वो ये जब आपने कर लेंगे आप, तो आपने ये अपनी कॉपी में जो है वो कॉपी में नहीं बल्कि आप लोग ये एक काम करिएगा, आप लोग इसी में ये सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर आपकी जब भी फिजिकल क्लास आपकी होगी बायो की, तो उस वक्त आपको ये करवा दिया जाएगा, ठीक है। बायो के रजिस्टर्स में आपने सिर्फ आपने अभी तक ये वाला काम करना है, पहला चैप्टर 1 और 2 कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 5 डेज का और टाइम दूंगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 के लिए आपको मैं 5 टू 6 डेज का मैं और टाइम दूंगा, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, और आपको थोड़ा लिखने में भी टाइम चाहिए, तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दूंगा, तकरीबन चलो 5 डेज नहीं तो 1 वीक का मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 5 टू 6 डेज मैक्सिमम है, और इस दौरान आपका हो जाना चाहिए। आप लोगों ने आपको लेक्चर एक दिन में सुनना है, उसके बाद 1 आवर का लेक्चर है वो आपने सुनना है, पूरा सुनना है, आराम आराम से सुनना है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने जो है वो न्यूनेस के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि आपको बायो के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें, और फिर आपको बायो इस तरह से आपकी बायो की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, और बायो की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं अभी ये भी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जितना आपने काम मैंने आपको बोला है ये आपने कर लेना है, रीडिंग करनी है, और फिर आपने पहले खुद से ही MCQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग, ओके। ये सारे MCQs पहले खुद से सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये किसी और वीडियो में ये बता दिए जाएंगे, या जो आपकी फिजिकल क्लास होगी आपको उसमें बता दिए जाएंगे, ओके।